कभी कभी जब आपका नवजात बीमार होता है, आपको पता नहीं चलता कि वो कितनी गंभीरता से बीमार है। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आरजी होल्ला हमें बताएंगे कि कैसे पता लगाएं जब आपका नवजात गंभीर रूप से बीमार हो। छोटे बच्चे बहुत आसानी से बीमार हो जाते हैं और कई बार इनकी बीमारी इतनी तेजी से बढ़ती है कि पता नहीं चलता है, और जब तक उस बीमारी का इलाज या उपचार किया जाए तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। तो कुछ डेंजर साइंस हैं जो आपको पता होने चाहिए जिससे आपको पता लग जाए कि मेरा बच्चा बीमार है। एक है इरिटेबिलिटी। इरिटेबिलिटी मतलब चिड़चिड़ापन। बच्चे, हर बच्चा रोता है, लेकिन रोते समय अगर हम उसको उठाएं या अगर उसको थोड़ा सा शरीर से लगाएं या फीड कराएं तो बच्चा उसके बाद चुप हो जाता है। अगर बच्चा लगातार रो रहा है, बहुत चिड़चिड़ा हो रहा है, किसी तरह से अगर बच्चा चुप नहीं हो रहा है तो उसको डॉक्टर के पास दिखाने की जरूरत है। बच्चों का एक फीडिंग का पैटर्न होता है। नवजात बच्चा जो होता है वो हर 2 से 3 घंटे में फीड जग के अपने आप ही फीड लेता है। अगर बच्चा ज्यादा देर के लिए सो रहा है, 5-6 घंटे हो गए बच्चे ने फीड नहीं लिया, और जब आप उसको फीड कराने की कोशिश कर रहे हैं तो बच्चा बिल्कुल दूध नहीं पी पा रहा है, तो वो भी एक डेंजर साइन है। अगर बच्चा फीड करते समय, अगर दूध पीते समय अगर उसके होंठ या अगर उसका चेहरा नीला हो जाए या काला हो जाए तो उसको भी इमीडिएटली किसी डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए। अगर बच्चा बहुत तेजी से सांस ले रहा हो, अगर उसकी पसलियां चल रही हैं, अगर वो हांफ रहा हो तो उस कभी कभी जब आपका नवजात बीमार होता है, आपको पता नहीं चलता कि वो कितनी गंभीरता से बीमार है। हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आरजी होल्ला हमें बताएंगे कि कैसे पता लगाएं जब आपका नवजात गंभीर रूप से बीमार हो। छोटे बच्चे बहुत आसानी से बीमार हो जाते हैं और कई बार इनकी बीमारी इतनी तेजी से बढ़ती है कि पता नहीं चलता है, और जब तक उस बीमारी का इलाज या उपचार किया जाए तब तक कई बार बहुत देर हो चुकी होती है। तो कुछ डेंजर साइंस हैं जो का पेट एकदम फूल जाए या बच्चा लगातार उल्टियां करना शुरू करे तो वो भी एक डेंजर साइन है। उसके अलावा अगर बच्चे के बिहेवियर में कोई चेंजेस आ जाए, जैसे बच्चा सडनली आंखें खोल के और ऊपर की तरफ आंखें कर ले, या शरीर में उसके झटके आना शुरू हो जाए, या उसके रोने के तरीके में कुछ बदलाव आ जाए, कुछ चेंज आ जाए, अजीब तरीके से अगर बच्चा रोना शुरू करता है तो उसका भी इमीडिएट इलाज होना चाहिए। बच्चे की नाभि 7-8 दिन में अपने आप सूख के गिर जाती है। अगर उस नाभि के बेस पर अगर लाली आ जाए, एकदम लाल हो जाए, या उसमें से पानी निकलना या पस निकलना शुरू हो जाए, या उसमें से बदबू आए, तो वो भी उसका भी इलाज इमीडिएटली इलाज होना चाहिए। ये हैं कुछ डेंजर साइंस जिनका अगर आप ध्यान रखें और अगर इन चीजों का के लिए आप देखते रहें तो आपको पता लग जाएगा कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक है या नहीं। नवजात की देखभाल के बारे में अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें onlymyhealth.com।